Good morning, students. Hope you all are doing fine. Last week we have started a chapter, Changes Around Us. That is chapter number 6. Today we are going to discuss our next topic, Irreversible Change. Last week we have discussed reversible changes. Reversible changes, जो हमारे टेम्परेरी चेंजेस होते हैं और जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं टू ऑब्टेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जैसे नीटिंग अ स्वेटर, इन्फ्लेशन ऑफ टायर, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स आयरन करते हैं तो कोई जरूरी है, अगर वो पहले क्रश किया हुआ है, आपने आयरन किया उसको वापस क्रश किया जा सकता है, राइट. मोल्डिंग ऑफ प्ले डो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, हीटिंग ऑफ मिल्क, रोलिंग आ रोटी डो. तो ये कि सब क्या है कि जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, टू परफॉर्म अ रिवर्सिबल चेंजेस, टेक अ बलून एंड ब्लो इट. यू विल ऑब्जर्व दैट साइज एंड शेप ऑफ द बलून चेंजेस. डेफिनेटली अगर हम किसी बलून को ब्लो करेंगे तो उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगी. नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून. फिर उसके बाद हम उसको, उसके अंदर से जो एयर फील्ड है उसको हम पास होने देंगे. यू विल ऑब्जर्व दैट बलून कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप. अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो बलून आपका पहले था वही उसी सेम ओरिजिनल साइज एंड शेप में वो एयर पास होने के बाद वो आपको वापस वही चीज मिल जाएगी. This shows that blowing of a balloon is a reversible change. देखिए, balloon, blowing a balloon, balloon coming back to original shape. फिर से वो इसी शेप में आ गया. इसकी ओरिजिनल शेप क्या बन गई, जब यहाँ से एयर पास हो रही है और एयर पास होते होते वापस इसी शेप में आ गया जो आपके पास इनिशियली जैसा बलून था आपके पास. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज इरिवर्सिबल चेंज. It is a permanent change and cannot be done or reversed to obtain the original form. Permanent change, you can underline this also. It is a permanent change that can be reversed or undone to obtain the original form. Irreversible changes क्या होते हैं? ये permanent change, जो change हो गया हम उसको reverse नहीं कर सकते. The changes in the internal structure give rise to a new substance. बेसिकली जो हमारे चेंजेस होते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होता है जिसकी वजह से हमारे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. इवन व्हेन द कॉज ऑफ द चेंज इज रिमूव्ड, अगर हम जिसकी वजह से चेंज हुआ है उसको भी रिमूव कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस. ओरिजिनल सब्सटेंस हमें मिल ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल. नाउ द नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 56. Some examples of irreversible changes are burning of paper. आप एक paper को burn करते हैं, आपको क्या मिलता है? Ash. क्या उस ash को आप वापस paper में convert कर सकते हैं? No. Next one is frying of egg. आप एक बार egg fry हो गया, ठीक है? Then though even though it looks the same, ये देखिए, you can see in the picture, egg fry हो गया. वो ठीक है. बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं लगता कि उतने वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो तो चेंज हो गया ना. यू कैन नॉट चेंज इट बैक टू द रॉ एग फॉर्म, कि अंदर से वो सॉफ्ट हो गया है, आप उसको खा सकते. क्या रॉ एग को आप खा सकते हैं? नो. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस, बर्स्टिंग ऑफ बलून. बलून अगर फट जाता है तो क्या आप उसको ब्लो कर सकते हैं अगेन? नो. मेकिंग चीज फ्रॉम मिल्क, मिल्क से आप चीज बना सकते हैं, कि चीज बनने के बाद आप उसको मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो. बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स आपकी कैंडल है, ठीक है, वो आपकी बर्न हो रही है, यानी कि वैक्स क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस वैक्स विल सी फर्दर. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, रॉक, वुड और टॉय. एक बार ग्लास ब्रेक हो गया, रॉक आपकी ब्रेक हो गई, वुड आपकी ब्रेक हो गई, टॉय आपका ब्रेक, क्या हमें वही शेप वापस मिल सकती है? नो.
राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और डिके ऑफ प्लांट्स, एक बार जो फ्रूट्स है आपके वो ओवर राइप हो गए, वो ज्यादा पक गए, जिसे हम कई बार कहते हैं ना एप्पल, आपने देखा होगा, या अपने बनाना देखा होगा, वो येलो येलो सा होता है, इसको आप कहते हैं कि बहुत ढीला हो गया है ना, तो आप क्या उसको वापस ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो. सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट जो है जहां पे एक बार सेट हो गया, आप उसको फिर से एक पाउडरी फॉर्म बना के, आप कह सकते हैं उसको एक उस फॉर्म में लाके जिस फॉर्म में हम लोग सीमेंट को मिक्स करते हैं, घोलते हैं, हम वो वापस नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है हमने एक जगह से सीमेंट ब्रेक की और दूसरी जगह पे हमने उसको मिक्स करके पानी के साथ लगा दी. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, एक बार कर्ड बन गई मिल्क से, क्या ये पॉसिबल है कि कर्ड बनने के बाद फिर से वो मिल्क बना दे आप? नो. रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग गई है उसको, हम जंग को हम नो प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट मेथड से, बट उसको बिल्कुल हटा पाना तो इट्स नॉट पॉसिबल ना, वो तो हम अपने प्रिकॉशन लेते हैं, चलो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बट उस चीज को खत्म करना दैट इज नॉट पॉसिबल. बेकिंग अ केक और रोटी, एक बार आपने केक या रोटी बेक कर दी, क्या वापस आपको वही चपाती मिल जाएगी? जैसे उसको तो हमने आजकल केक बहुत बन रहे हैं, है ना, तो अगर आप लोग सूजी केक सपोज आपने बना लिया, तो आप क्या उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको सूजी मिल जाए, आपको रॉ मिल्क मिल जाए, आपको बटर मिल जाए, तो आप क्या ये आपको ये वापस मिल सकती हैं सेपरेट सेपरेट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. नाउ टू परफॉर्म एन इरिवर्सिबल चेंज, देखिए फिर से बलून से रिलेटेड एक्टिविटी आ रही है. हमने जो पहले देखी थी बलून से रिलेटेड एक्टिविटी, उसमें क्या था, उसमें हमने बलून ब्लो किया और एयर को उसमें से पास होने में हेल्प की, पास होने दिया, और फिर कुछ टाइम के बाद क्या देखा, जब उसमें से एयर निकल गई तो जो बलून है वापस उसी शेप में आ गया, ओरिजिनल शेप में जिसमें वो स्टार्टिंग में था. ठीक है, अब क्या है इरिवर्सिबल चेंज के लिए, वी हैव टेकन एन इन्फ्लेटेड बलून, बलून प्रिक्ड बाय नीडल, बलून के अंदर नीडल लगा दी गई. ठीक है, तो क्या होगा जब बलून के अंदर आप नीडल प्रिक करेंगे तो क्या होगा, बलून विल ब्रस्ट, ठीक है फट जाएगा बलून, तो बलून क्या हो गया, बस्ट हो गया, ये देखिए. ठीक है, और क्या ये जो बलून बस्ट होने के बाद आपको फिर से बलून ओरिजिनल बलून मिल सकता है? नो, दिस इज इरिवर्सिबल चेंज. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. इट इज टेम्परेरी चेंज दैट वी हैव डिस्कस्ड, अपोजिट टू दैट इट इज परमानेंट चेंज. इट कैन बी रिवर्स और अनडन टू ऑब्टेन द ओरिजिनल फॉर्म बाय रिमूविंग और चेंजिंग द कॉज ऑफ अ चेंज. अगर हम कॉज चेंज की, जो चेंज का कारण है उसको हम ना देके रिमूव कर दें, उसको भी रिवर्स कर सकते हैं, बट अपोजिट टू दैट इट कैन नॉट बी रिवर्स इवन आफ्टर रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसी की ही क्या होती है, एक फॉर्म होती है, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस. पहले वो आइस थी, फिर वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ गई, बट वो है क्या, फॉर्म तो वाटर की ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ. न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जैसे हमने पेपर को बर्न किया, क्या बन गया, ऐश, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, केमिकली ही पूरी तरह से चेंज हो गया. नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में तो चेंज आएगा ही आएगा. अब ये देखिए ना, पहले पेपर था, पेपर से ऐश बन गया, तो वो क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर में तो चेंज आ गया. नाउ ब्लोइंग अ बलून, बस्टिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, एक बलून को ब्लो किया गया और इसमें क्या किया गया, बस्टिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, वो बलून फट गया, और फटने के बाद तो डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा ही आएगा. नई इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ योर पेंसिल एंड द इरेजर कीप्स चेंजिंग. जो आप जैसे देखिए, आपकी जो पेंसिल और इरेजर की लेंथ है वो चेंज होती रहती है, छोटी होती रहती है ना, किस लिए, ड्यू टू रिपीटेड यूज, आप उसको कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, आप उसको शार्प कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं,
तो जिसकी वजह से वो क्या है, उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, उसका शेप शेप अगर इरेजर को आप अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं, कुछ क्या करते हैं एक ही साइड से यूज कर, एक कॉर्नर से यूज करते रहते हैं और वो एक साइड से तो शार्पन होती है और एक तरफ से बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, मतलब एक सर्कुलर शेप ले लेती है ना। तो ये क्या है कि मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि जो लेंथ है पेंसिल और इरेजर की वो चेंज होती रहती है ड्यू टू रिपीटेड यूज ऑफ दोज। नाउ द नेक्स्ट वन इज समटाइम्स द सेम मटेरियल कैन अंडरगो अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज डिपेंडिंग ऑन द कॉज और द एक्शन परफॉर्म्ड ऑन इट, दिस विल बी क्लियर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए सेम मटेरियल रिवर्सिबल चेंज के अंदर भी आ सकते हैं और इरिवर्सिबल चेंज के अंदर भी आ सकते हैं, डिपेंड किस पे करते हैं कि डिपेंड ऑन द कॉज कि बेसिकली काम क्या हो रहा है, किस तरह से उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, इस चीज पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए लेट्स सी एन एक्टिविटी, सब मटेरियल कैन अंडरगो अ रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल चेंज डिपेंडिंग ऑन द एक्शन परफॉर्म्ड, टेक सम डो और एंड मेक अ बॉल ऑफ इट, डो लिया उसकी बॉल बनाई, रोल इट एंड लाइक अ रोटी, रोटी की फॉर्म में उसे रोल किया, इफ द शेप इज नॉट सर्कुलर, अगर शेप सर्कुलर नहीं है यू कैन चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो एंड स्टार्ट रोलिंग अगेन, अगर शेप सर्कुलर नहीं है आपको कोई और शेप चाहिए तो आप क्या करेंगे, चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो, ठीक है उसको फिर से क्या करेंगे, उस शेप को एक सर्कुलर डो में कन्वर्ट कर देंगे और फिर से उसको रोलिंग करना स्टार्ट करेंगे इनटू अ डिजायरेबल शेप, हेंस द रोलिंग ऑफ द डो इज अ रिवर्सिबल चेंज। यानी कि आप डिफरेंट शेप्स डो से आप बना सकते हैं, अगर आपको रोलिंग पसंद नहीं आया है तो आप उसको फिर से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डो में, फिर से आप उसको पेंटागन सर्कुलर कोई भी शेप दे सकते हैं, वट एवर इट्स डिजायर्ड। लेकिन क्या ये चपाती बनने के बाद आप डो में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल, You will observe that the roti rises and spots form on it as it gets cooked. You cannot get back the dough from a heated or baked roti. अब वापिस उसको डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। This shows that baking of roti is an irreversible change. Hence, a change may be reversible or irreversible depending on the cause for the change to occur. चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। हमने यही स्टार्टिंग में हमारा एम था कि व्हाट वी आर गोइंग टू सी, हम क्या देखने वाले हैं और क्या चेक करने वाले हैं कि सेम मटेरियल पे, सेम मटेरियल जो है वो रिवर्सिबल चेंज के अंदर भी आ सकता है, इरिवर्सिबल चेंज के अंदर भी आ सकता है, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज फॉर द चेंज टू अकर, ठीक है, जिस कारण से वो चेंज हो रहा है, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। नाउ सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम मटीरियल अंडरगो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आर एज फॉलोज, रिवर्सिबल रोलिंग द डो, इरिवर्सिबल बेकिंग द डो, फोल्डिंग अ पेपर, कटिंग अ पेपर, पेपर कट करने के बाद आप क्या वापस आपको वही ओरिजिनल शेप मिल जाएगी पेपर की जो स्टार्टिंग में थी, नो, इन्फ्लेटिंग अ बलून, बलून ब्लो किया आपने तो आपको आप उसको एयर एस्केप करने के लिए छोड़ देंगे उसमें से तो बलून आपको ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, बस्टिंग अ बलून, इन दोनों की हम एक्टिविटी भी देख चुके हैं, शेपिंग अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, अगर हमने कुछ क्ले लेके हमने उसके क्या किया उसको शेप देके पोट में कन्वर्ट किया, अगर हमें उसकी शेप पसंद नहीं आ रही है तो हम उसको फिर से किसी और शेप कोई और शेप दे सकते हैं। लेकिन बेकिंग द क्ले पोट इन द ओवन, अगर आपने उस क्ले पोट को ओवन में बेक कर दिया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड आपने स्ट्रेच कर दिया, एक शेप में पसंद नहीं आया आपको दूसरी शेप में आप स्ट्रेच कर सकते हैं या आप एक काम और कर सकते हैं, अगर हमने स्ट्रेच कर दिया जैसे हम इसे रिलीज करेंगे वही हमारी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ब्रेकिंग और स्नैपिंग ऑफ रबर बैंड, क्या ब्रेक होने के बाद आपका रबर बैंड उसी शेप में उसी फॉर्म में
क्लैरिटी के साथ आपको मिलेगा? नो. व्हाट हैपेंस व्हेन यू लाइट और बर्न अ कैंडल एट होम? जब आप घर पर कैंडल बर्न करते हैं तब क्या होते हैं? अ कैंडल इज मेड ऑफ वैक्स, दैट वी ऑल नो कि कैंडल इज मेड ऑफ वैक्स. व्हेन यू लाइट और बर्न अ कैंडल एट होम विद अ मैच स्टिक, टू टाइप्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस. अगर हम कैंडल बर्न करते हैं तो दो तरह के चेंजेस होते हैं, वो क्या क्या है दैट वी विल सी. वी ऑब्जर्व दैट लेंथ ऑफ अ बर्निंग कैंडल चेंजेस विद टाइम. हम क्या ऑब्जर्व, फर्स्ट पॉइंट हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पहले हमारी कैंडल का साइज इतना था और धीरे धीरे वो उसका साइज कम हो गया, राइट. द कैंडल बिकम शॉर्टर एज इट बर्न्स फॉर लॉन्गर. कैंडल जो है वो उसका साइज छोटा होता रहता है जैसे जैसे वो लॉन्ग टाइम के लिए बर्न होती है. दिस इज बिकॉज द वैक्स प्रेजेंट इन द कैंडल बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. ये किस वजह से हो रहा है कि जो वैक्स प्रेजेंट है कैंडल में वो बर्न हो रही है और क्या प्रोड्यूस कर रही है? हीट एंड लाइट. ठीक है, जब कैंडल के आसपास आप बैठते हैं तो आपको फील होता है कि गर्मी है, हीटिंग फील होती है, हॉटनेस फील होती है आपको, और लाइट भी प्रोड्यूस होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग ऑफ कैंडल. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम गैस एंड सूट. ये कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस करती है विच इज ऑल लॉस टू द एयर. सिंस वी कैन नॉट कम्बाइन ऑल दिस प्रोडक्ट्स टू गेट बैक द वैक्स. ओके, कैंडल आपने बर्न की, आपको क्या क्या प्रोड्यूस हुआ? हीट प्रोड्यूस हुई, लाइट प्रोड्यूस हुई, गैसेस प्रोड्यूस हुई, सूट प्रोड्यूस हुई. क्या ये सब कुछ आपको वापस मिल सकता है अगर आप आपकी जो कैंडल बर्न होने के बाद क्या आप वापस ये सब कुछ कलेक्ट कर सकते हैं कि हीट लाइट गैसेस सूट को कलेक्ट करके चलिए हम एक वैक्स बनाते हैं? इज इट पॉसिबल? नो. नाउ सी द नेक्स्ट चेंज, पॉइंट नंबर टू. However, some wax melts and flows down the side of a burning candle. हम ये भी देखते हैं कि जब हमारी जो कैंडल बर्न हो रही है, ठीक है, उसके साइड में जो वैक्स है वो मेल्ट होके वो नीचे साइड में गिरती रहती है. This wax solidifies if cold. ठंडी होने के बाद वो wax solidify हो जाती है and can be melted again. और उसको हम फिर से उसको बर्न करके फिर से मेल्ट कर सकते हैं to form molten wax. is it or not? जब एक जो wax आपकी melt हुई है साइड में गिरी है, हम उसको burn करके फिर से molten wax form कर सकते हैं. So ये क्या हुआ, melting of wax is a reversible change. कि candle melt हुई साइड में गिरी और उस जो उन्हें उस wax को हमने फिर से burn किया क्या करने के लिए, मोल्टन वैक्स फॉर्म करने के लिए, तो वो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या हुई, हमारी रिवर्सिबल चेंज. क्लियर स्टूडेंट्स? होप रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आर क्लियर टू यू. प्लीज गो थ्रू वंस. थैंक यू स्टूडेंट्स.